दक्षिण अफ्रीका बनाम इंग्लैंड के बीच विश्व कप 2023 का 20वां मुकाबला मुंबई के वानखेड़े पर खेला गया। इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड टीम की कमर तोड़ दी। दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 229 रनों से इस मुकाबले को जीतते हुए इंग्लैंड को वनडे क्रिकेट के साथ साथ विश्व कप में सबसे बड़ी हार का सामना करवाया। इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के लिए सबसे बड़े हीरो उनके बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन रहे, जिन्होंने 109 रनों की तूफानी पारी खेली। लेकिन इस मुकाबले में एक चीज ने सबसे ज्यादा खिलाड़ियों को परेशान किया, वो है इंजरी। इंग्लैंड की तरफ से जहां दो तो वहीं दक्षिण अफ्रीका के एक बल्लेबाज इस मुकाबले में चोटिल हुए। हालांकि सभी खिलाड़ी वापस मैदान पर उतरे और दोबारा से खेल उन्होंने शुरू किया, लेकिन इस मुकाबले में चोटिल हो जाने के बाद गुस्से में अपना आपा खोते हुए इंग्लैंड के तेज गेंदबाज रीस टोपले ने जो किया, शायद अब उसकी भरपाई उन्हें अगले मुकाबले से पहले करनी पड़ सकती है। मामला पूरा क्या है, चलिए जानते हैं। दरअसल इस मुकाबले में शुरुआती झटका देकर इंग्लैंड को रीस टोपले ने शानदार शुरुआत दिलाई, लेकिन फिर उसके बाद 7वें ओवर की 5वीं गेंद के बाद उन्हें उनकी उंगली में समस्या नजर आई, जिसकी वजह से रीस टोपले को मैदान छोड़कर वापस जाना पड़ा। अब जैसे ही वो मैदान छोड़कर वापस जा रहे थे, यहाँ पर उन्होंने भारी गलती कर दी, क्योंकि यहाँ रीस टोपले आपा खो बैठे। उन्होंने सीढ़ियों से चढ़ते हुए कुर्सी को तोड़ा, फिर उसके बाद उन्होंने शीशा फोड़ते हुए अपना गुस्सा भी दिखाया। जी हाँ, ड्रेसिंग रूम में जाते हुए उन्होंने ऐसी हरकतें की जो कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसके बाद ICC उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई भी कर सकता है। जैसे ही रीस टोपले मैदान छोड़कर पवेलियन की ओर बढ़ रहे थे, तो सीढ़ियों पर चलते हुए रीस टोपले ने कुर्सी जमीन पर दे मारी। उनकी ये सारी घटना तुरंत ही कैमरे में रिकॉर्ड हुई और उनकी इस बर्ताव के चलते ICC उनके ऊपर अगले मुकाबले से पहले कोई कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी हो, गुस्से में आपा खोने के बाद वो इस तरह की हरकत नहीं कर सकता है, ना ही वो मैदान या फिर स्टेडियम में किसी भी फर्नीचर के साथ छेड़खानी या तोड़फोड़ कर सकता है। हाल ही में अफगानिस्तानी बल्लेबाज गुरबाज ने भी यही गलती की थी। गुस्से में उन्होंने अपना बल्ला कुर्सी पर देकर मारा था, जिसकी वजह से उनको डीमेरिट पॉइंट्स मिले थे। हालांकि 50% मैच फीस भी जुर्माने के तौर पर भरी जाती है, लेकिन गुरबाज बच गए थे, उन्हें डीमेरिट पॉइंट बर्ताव में देकर छोड़ दिया गया था। लेकिन यहाँ तो रीस टोपले ने कुछ ज्यादा ही कर दिया है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि अगले मुकाबले में क्या ICC रीस टोपले के ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई करेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया के साथ।